हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू पर। तो आज हम रिव्यू करेंगे विंटर स्टाइल डॉट स्टोर वेबसाइट का। कुछ इस तरह से इस वेबसाइट का हमें इंटरफेस देखने को मिलता है, और जहां हमें मिल रहा है आउटडोर लॉन्ज ऑफिस फोल्डिंग जीरो ग्रेविटी रिक्लाइनर एडजस्टेबल चेयर विद पिल्लो। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये आउटडोर लॉन्ज वाला फोल्डिंग सोफ़ा है, मतलब आप चेयर भी कह सकते हैं। अगर मैं इसके फ़ोटो की बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा है, मल्टी फंक्शनल है। आप कहीं भी ये किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत तरह से ये यूज़ होता है, और जो प्राइस है वो अनबिलीवेबल है, मतलब 799। ये 800 रुपये का ये सोफ़ा इस वेबसाइट पे दिखा रहा है, और वही एक सवाल या निशान पैदा करता है, क्या ये इतना सस्ता है, क्या ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या आपको ये लेजिट है या फेक है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, मैं इसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, इस वेबसाइट के बारे में किस तरह से वेबसाइट्स वर्क करती हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों के लिए टाइम और पैसा जो आपका बचता है उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो आपका लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी मत करना, क्योंकि लोग यार सब हर तरह के एंटरटेनमेंट के सारी तरह के वीडियोस देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, लेकिन जो जो वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है आप उसको लाइक नहीं करते, तो ये भाई बहुत ही गलत बात है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बढ़ते हैं आगे और बताता हूं मैं आपको इस वीडियो के इस वेबसाइट के बारे में। अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं तो इन्होंने इस वेबसाइट के बारे में सारी जानकारी दी हुई है इस वेबसाइट पे इस सोफे के बारे में, ठीक है। ये देखिए, और अगर मैं नीचे अब और चेक करूं या फिर इनके यहाँ पे और चेक करूं क्या क्या इस वेबसाइट पर मिलता है, तो यहाँ पे देखिए जैकेट्स भी, यहाँ पर जल्दी से मैं क्विक लुक देता हूँ क्या क्या मिल रहा है। जैकेट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, देखिए 399 रुपीज़ में सारी विंटर जैकेट्स हैं, कैजुअल से लेके डेनिम से लेके आपको लेदर जैकेट्स भी इसमें 399। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब सारी के सारी 399 में कैसे हो सकती है, ठीक है। और कुर्ती भी यहाँ पे लेडीज़ का कुछ कुर्ती भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो कि कुर्ती का जो दो ही है, और जो है देखो यहाँ पे 1500-1600 रुपये इन्होंने 1200 रुपये रेट डाले हुए हैं। और साड़ी पे अगर मैं क्लिक करूँ तो साड़ी पे भी इन्होंने 6000-7000 रुपये रेट डाले हुए हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा ये रेट इतने ज़्यादा क्यों डाले हुए इन्होंने, ठीक है। मैं शर्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और तो हमें शर्ट देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो चलते हैं पीछे, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया है रिक्लाइनर सोफ़ा से, वहाँ पे आपको बताते हैं ये जो सोफ़ा है क्या आपको लगता है क्या इतना सस्ता होना चाहिए, क्योंकि ये सोफ़ा है बहुत ही एक्सपेंसिव है। 800 रुपये मतलब ये कुछ भी नहीं है यार, 800 रुपये में तो नॉर्मल चेयर आती है, मतलब ये तो मल्टी फंक्शनल सोफ़ा है ना। और अगर तो मेन बात आती है, अगर हम इनसे खरीद लेते हैं, अगर इनसे कॉन्टैक्ट रिटर्न या रिफंड करना रहा, इनसे कॉन्टैक्ट करना रहा तो किस तरह से करेंगे। मैं अगर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट पे इनका जो हमें देखने को मिलता है वो है सिर्फ ईमेल एड्रेस। ये देखिए gbcshop91@gmail.com है सिर्फ, और बाकी यहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, ना इनका कोई फिजिकल एड्रेस है, ना ही इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना ही इनका कोई सोशल मीडिया लिंक है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक सवाल निशान पैदा करता है, मतलब एक डाउट पैदा करता है। दूसरी बात, मैं आपको दो चीज़ समझा देता हूँ, फिर आपका एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पहली बात तो ये, क्या आपने किसी फ्रेंड्स फैमिली या फिर जानने वाले से सुने कि उसने यहाँ से ये सोफ़ा ख़रीदा है 799 रुपीज़ में, बहुत अच्छा सोफ़ा है, या फिर इसमें से कुछ भी ख़रीदा है, 399 वाला कुर्ती है, जैकेट है, साड़ी है, मतलब कुछ भी इसमें से शर्ट है, कुछ भी ख़रीदा है, नहीं सुना होगा। या फिर आप खुद गूगल पे गए और टाइप करें विंटर स्टाइल डॉट स्टोर, और आपको किसी से सुने थे अपने यहाँ पे अच्छा मिलता है करके, आपने यहाँ टाइप करके ये वेबसाइट ओपन किए, नहीं। क्या हुआ है, जब आप नेट यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं भी आपको इस वेबसाइट का ऐड दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो ऐड है ये गूगल ऐड के थ्रू ये वेबसाइट ऐड करती है। जब आप नेट यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका पॉपअप आता है, ये सोफ़ा दिखाई देगा, उसके नीचे 799 प्राइस दिखाई देगा। 799 मतलब सोफ़ा बहुत महंगा है, 799 बहुत सस्ता है यार, प्राइस तो बहुत कम दिख रहा है, कोई भी क्लिक कर देगा। ऑब्वियसली मैं हूंगा तो मैं भी क्लिक कर दूंगा, जिसको ऐसी वेबसाइट्स के बारे में आइडिया नहीं है। और मोस्टली 95% नहीं मैं बोलता हूं 98% इंडिया में लोगों को ऐसी वेबसाइट्स के बारे में आइडिया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो लोग क्लिक कर देते हैं, आने के बाद सब देख के थोड़ा एक्साइटमेंट में, जो यार ऑब्वियसली इतना सस्ता मिलेगा तो यार इंडिया में तो पहले से लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा होता नहीं है, तो कोई भी पे कर देगा यार इनको, ठीक है। पे करने के बाद क्या होता है, लोग इंतज़ार करते हैं, परेशान होते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लेने के सोच रहे हैं यहाँ से या फिर पे कर चुके हैं, तो आपका रिटर्न और रिफंड नहीं आने वाला दोस्तों। ये जो वेबसाइट है टोटली फेक और फ्रॉड वेबसाइट है। जी हाँ दोस्तों, आप जो सोफ़ा देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, मैंने ऑलमोस्ट 10 वेबसाइट का ऐसी वेबसाइट का रिव्यू कर चुका हूँ। नाम चेंज है, देखो नाम चेंज है, सेम सोफ़ा है, सेम जो वेबसाइट का कॉन्टेंट सेम है, सेम प्राइस है, सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं। एक बार जो मैं इनको एक्सपोज कर देता हूँ तो एक बार लोगों को मालूम पड़ जाता है
है, क्योंकि सर्च करते हैं गूगल पे तो मेरा जो वीडियो दिखाई देता है और लोगों को इनके बारे में मालूम पड़ जाता है, तो नाम चेंज कर करके और वापस से फ्रॉड करते हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा, हज़ारों की तादाद में वेबसाइट से फेक वेबसाइट, जी हाँ दोस्तों हज़ारों की तादाद में, और रोज़ का करोड़ों रुपये का ये लोग चूना लगाते हैं पब्लिक को, रोज़ों करोड़ों रुपये का उनका पैसा जो है हार्ड अर्न मनी, मतलब उनका जो मेहनत का पैसा है वो लूटते हैं। भाई यार इनसे सस्ती वाली से कौन खरीदेगा, जिनके पास यार पैसा कम होता है, जो लोग मेहनती है, जो रोज़ का कमाते हैं, फिर महीने का जिनका सब बजट चलता है, बजट के हिसाब से चलते हैं, वही खरीदेंगे ना यार सस्ता वाला। बाकी तो पैसे वाले तो सब जाके शोरूम में जाके खरीद लेते हैं, अच्छा उनको आइडिया होता है। तो यार ज़्यादा करके गरीब ही इसका शिकार होते हैं, और मेरा काम है ऐसी वेबसाइट्स के ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, इनके बारे में आपको जानकारी देना, क्योंकि यार ये बहुत करोड़ों रुपये का रोज़ का चूना लगाते हैं। और ये एक बार मेरे साथ हो चुका है लॉकडाउन में स्टार्टिंग में, तब से मैंने ठाना है ऐसी वेबसाइट्स को और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना। तो मेरा काम है ऐसे एक्सपोज करना, और आपका काम है मुझे सपोर्ट करना। आपका लाइक्स और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, और मैं इसी तरह के आपके लिए वीडियोस रिसर्च कर करके वीडियोस बनाता हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हो सके तो फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करो, ताकि उनको भी आइडिया हो जाए, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये रुकने वाली नहीं है भाई। ये पता नहीं अभी तक आइडिया, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये लोग इंडिया से काम करते हैं, आउट ऑफ इंडिया से काम करते हैं, या फिर मोस्टली तो इंडिया में ही काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 95-99% लोग इंडिया से ही करते हैं और ये फेक तरीके से चलाते हैं। तो ऐसे वेबसाइट से दूर रहो, अपना ख्याल रखो गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।